कुरान ने क्या कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यअसिमुक मिनन नास। सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 67। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चीज़ आप पर उतारी गई आप पहुँचा दीजिए, अगर आप नहीं पहुँचाएंगे तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया और अल्लाह आपको लोगों से बचा करके रखेगा। जब तक दावत और तबलीग का काम नहीं करेंगे लोगों से हम बच नहीं सकते हैं, जब तक नहीं करेंगे। जब दावत और तबलीग का काम करते रहेंगे, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते रहेंगे तो अल्लाह बचा के रखेंगे। इस पर कौन अमल कर रहा है? 120 करोड़ जिन लोगों ने खर्च किया है, क्या उनके पास दौलत उतनी ही है? कितनी होगी? और एक बात और बता दूं, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब बोल रहे थे कि हैदराबाद में एक मुस्लिम ने अपनी बेटी की शादी में सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। शेख साहब, सिर्फ 16 करोड़, और उन्होंने एक मस्जिद बनाई है। इमाम साहब जरा लेट हो गए तो बेचारे की 4000 तनख्वाह काट ली, लेकिन बेटी की शादी में 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो कैसे आप लोग बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं कि हम मुसलमानों के पास पैसा नहीं है? हम मुसलमानों के पास पैसा नहीं है? हम मुसलमानों के पास पैसा नहीं है?